और भाई भाई आवाज है भाई पूरे कमरे वो देख हां निकल भाई। गलती से अगर हम वहां रुक जाते ना तो हमारा जो मोबाइल हमारे पर्स और हमारी शायद गाड़ी भी वो ले लेते और उसके बाद कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि सभी दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी वीडियो लेके आ रहा हूँ अभी इसी रात इसी समय इसी वक्त जो टाइम हो रहा है 11:15 हम एक ऐसी रोड पे जाएंगे जहाँ पर अंडा गैंग का हमला होता है हमारी गाड़ी के ऊपर। तो वो अंडा गैंग कौन है, ये कहाँ से चलती है, क्यों गाड़ियों पर वार करते हैं, क्या गाड़ी से क्या नुकसान करना चाहते हैं, क्या हमसे क्या लूटपाट करना चाहते हैं, तो हम आज वहाँ जाके आपको बताएंगे कि अंडा गैंग की कितनी शक्तिशाली है और क्या उनके पास हथियार है, क्या है कोई ऐसी ग्रुप है जो हमारे साथ या किसी भी के साथ कुछ भी कर सकता है। मैं और पिंटू दोनों ही हैं क्योंकि उस रोड पर किसी के जाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन हमने दोनों ने चैलेंज रखा अंडा गैंग वाली रोड पर हम विजिट करके आएंगे। पिंटू भाई तैयार हो आप? बिल्कुल भाई। तो दोस्तों फटाफट इस पे बात नहीं करेंगे और दोस्तों फटाफट इस पेज को इतना रफ्तार से आप शेयर करना कि आपका भाई अंडा गैंग वाली रोड पर जाके विजिट करेगा, चाहे हमारी कार का नुकसान भी हो सकता है, चाहे हमारे साथ भी कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन हम सेफ्टी के साथ उनसे बात करेंगे, उनसे हम कुछ कहेंगे कि आप ऐसा क्यों करते हो, या फिर हम वहाँ से कोशिश करेंगे कि उनसे लड़ने से और पुलिस को कंट्रोल से बात करके, जहाँ हमारा जो कॉल चालू रहेगा फ़ोन एक 100 नंबर पर ऐसी कोई कुछ करेंगे तो वहीं जाके बात करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते। अभी हम फटाफट पेट्रोल पंप से पेट्रोल पंप पहुँचे हैं, काफ़ी दूर रहे हैं घर से, तेल भरवा लेते फिर आगे की बात करते हैं। दोस्तों ये आ चुका है हमारा पेट्रोल पंप और यहाँ से हम करवा देते हैं पेट्रोल का जो टैंक है फुल और उसके बाद चलते हैं अंडा गैंग वाली रोड पर। भैया प्यार चाहिए दोस्तों आपके, इतनी रात की भाई वीडियो बना रहा है रिस्क वाली, तो ये हमारा एक व्लॉग से कोई ये पिंटू भाई हाँ? ये कोई खड़े इनको पूछते क्या? हाँ यार सुन, कोई दिख रहा क्या? हाँ दिख रहा, इनको पूछते ना। हाँ कोई आदमी खड़ा थे भाई। हाँ वो खड़ा थे भाई, यानी भैया भैया नमस्ते, नमस्ते। भैया मैं कह रहा हूँ कि हमारा देखो एक तो लाइव कैमरा चल रहा है, क्योंकि देखो कैमरा चल रहा है, आप ऐसा मत देखना कैमरा क्यों चला रखा है। अच्छा। हम सीधा कहीं दूर से आ रहे हैं, हमें एक ऐसी रोड है इधर जो कहते हैं कि एक अंडा गैंग वाली रोड है जिसमें हमला हुआ है, और कहते हैं यहीं आसपास कोई 7-8 किलोमीटर दूरी के है, कोई है क्या इधर लोकेशन? हाँ लोकेशन रोड तो है अंदर वो, हाँ रुक्मणी करके कोई रोड है। अच्छा रुक्मणी करके रोड है ना, तो उधर आप अभी जा रहे हो? यो अभी हम उस रोड को विजिट करने जा रहे हैं। अच्छा एक्सप्लोर करते थे, मतलब जो भी मतलब दिक्कत क्या है क्या नहीं, कहते लोग उधर हड्डिया करते कोई चीजें ऐसी है कोई। आपने टाइम देखा अभी घड़ी में? टाइम तो अभी 12:30 बज रही है। 12:30 बज रही और आप अभी वहाँ जा रहे हो? हाँ आपकी हालत खराब हो जाएगी वहाँ। भैया ऐसा थोड़ी यार, तो हम हमारे पास गाड़ी है, सेफ्टी है, अंदर कर लेंगे जो भी। नहीं आपके पास सेफ्टी है, सब कुछ है। एक तो वहाँ रुकने करके वहाँ कांड हुआ, हुआ बहुत भारी कांड हुआ है। हाँ वहाँ बहुत भारी कांड हुआ, वो रुकने करके करके एक लेडीज थी। अच्छा उसका मर्डर किया, उसके इतने गट्टे किए, उसकी हालत खराब करके उसको अलग अलग, उसका सर किधर धड़ किधर कोई पता नहीं उसका। कितने दिन हुए गई उधर और आप लोग अभी वहाँ जा रहे हो? या 12:30 बजे जो जाना होगा, क्योंकि फिर हमारी क्या जाना, वो जो ऑडियंस कहती है तुम डरते हो, इस हिसाब से थोड़ा सा जाके बताना ही पड़ेगा ये रोड थी यहाँ पर कांड हुआ था। तो हम खाली एक वहाँ पर ऐसा रास्ता है जैसे वो कहते हैं वो आगे जाके वापस वो हाईवे मिल जाता है। हाँ रास्ता वो सब कुछ है, आप जो बोल रहे हो सब कुछ है वहाँ पे। वो हम नहीं डरेंगे, हम जाएंगे बोलो। वो नहीं डरो, वो आपकी इच्छा देखो, बाकी मेरा जो कहने का धर्म था मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं बिल्कुल धन्यवाद। यहाँ से कैसे कहाँ रास्ता कैसे होकर जाएंगे हम यहाँ से? रास्ता तो आपको सीधा राइट होके में घुसना पड़ेगा अंदर, आगे से कटारा, वहाँ से आगे से जो कटारा उधर अंदर घुसना होगा। नहीं लेकिन मेरी बात मानो, उधर मत जाओ, फिर आपकी इच्छा। अच्छा नहीं हम जाके देख लेते मिनट जाके ना। हाँ, दोस्तों जो होगा देखा जाएगा, भले ये तो मना कर रहे हैं लेकिन तो भी हमारा काम है, रिस्क तो लेंगे है ना। बिल्कुल ठीक है, समझो मेरी बात को, मानो थोड़ा।
नहीं हम जाएंगे यही का स्थानीय लोकल जानता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, बाकी तो कोई नहीं, आपकी इच्छा आप जाओ देखो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। नहीं नहीं मैं हम जाके आएंगे भैया, जाके आओ, आपकी इच्छा है अगर रुकमणी जैसा हाल करना हो तो आप जाओ बोली, बाकी उधर बहुत सीरियस मैटर है वहाँ पे, रात को कोई नहीं जाता है वहाँ पे। नहीं तो भी चलो ठीक है, देखते हैं, देखो आपके हिसाब से, बाकी मैं हाँ ठीक है भैया, थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है, ओके ओके भाई, चलो भाई मिंटू भाई। रुकमणी रोड वाली रोड जो हादसा हुआ है उसके कई टुकड़े कर दिए थे जिन्होंने गैंग वालों ने, और उसकी ऐसी बहरूपी भाभी चलो जटे चलो भाई चलो 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 एक्शन ले। तो दोस्तों आ चुकी है वही रोड जो कहते हैं कि रुकमणी वाली रोड, जहां पर रुकमणी नाम की औरत थी जिसके कई टुकड़े कर दिए थे और उसकी मौत हो गई थी, और उन जिन लोगों ने उसको फेंका है उसी रोड पर हमें, और इधर कहते हैं गैंगवार चलती है और वो सीधी हमला करती है। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, रोड आ चुकी है और रात की 1:10 हो चुके हैं ये दोस्तों, रात की 1:10 हो रहे हैं और हम इतना रिस्क ले रहे हैं दोस्तों कि हमारी जान को खतरा भी हो सकता है, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका प्यार है और हमारी बजरंग बली की जो आशीर्वाद है हमारे ऊपर है, तो हम डरेंगे नहीं और आगे बढ़ेंगे। पिंटू भाई करो कैमरा सामने की तरफ और देखते हैं चीज है या नहीं है, चलो भाई लाइट चालू करना, भाई ध्यान रखना, नहीं है बिल्कुल डरना मत, ये लाइट लगा लो यार, हां लाइट लगा ले भाई, इतना सन्नाटा रोड पे भाई देखना, एक भी गाड़ी नहीं मिली हमें, एक भी गाड़ी नहीं मिली है अभी तक, इतना सन्नाटा इस रोड पर, एक भी गाड़ी नहीं आई अभी तक। जिस बहन के साथ जो बुरा हाल हुआ उसके कई टुकड़े कर दिए उन्होंने गैंग वालों ने, खून से मतलब टुकड़े, इतने टुकड़े कि उसके हाथ पैर मुंह, वो भाई जो बोल रहा था पता नहीं था वो उसकी बातों में सच था या झूठ था मुझे नहीं पता, लेकिन वो ये भाई मुझे लग रहा था बहुत सीरियस था, बोल रहा था नहीं जाओ आपकी मर्जी। अच्छा गाड़ी लॉक कर रखी ना भाई, हाँ लॉक है, ध्यान रखना अपने ना, पूरा डेंजर है यहाँ, देख ना भाई जंगल के अंदर रोड है पूरी, पहाड़ियों के बीच के अंदर से गुजरती है रोड, भाई देख ले तू चढ़ा बहुत है इधर, हाँ बहुत खतरनाक रोड है, और भाई भाई आवाज है भाई, ओ पूरे कमरे, ओ देख हाँ यार निकल भाई यहाँ से, हाँ भाई यार भाई, हाँ भाई दोस्तों गाड़ी के ऊपर पत्थर की आवाज आई है भाई, पत्थर तो नहीं मारो ऊपर भाई, मुझे लगता है कोई पीछे कांच फोड़ दिया किसी ने, हाँ हाँ पक्का कंफर्म भाई, आगे रहो थोड़ी गाड़ी, ये जो एक काम करते हैं, हाँ भाई मैं गाड़ी घुमाता हूँ आगे से, मतलब भाई जो घाटी थी वो पहाड़ी थी ना, हाँ उसके ऊपर से हमला हुआ है भाई, हाँ पत्थर मारे क्या मारे, बम बम दो तीन चार बार आवाज आई है भैया, मेरी बात सुन, ये बजरंग बली के मंदिर पे आया है, यहाँ से गाड़ी घुमा लेते हैं, मतलब रिपोर्ट करना कल तक अपन एक्शन ले सके उनके ऊपर, तो किसी को सबूत दे सकते कोई चीज है या पता भी नहीं किसी के साथ कोई घटना हुई है पता नहीं, आवाज तो आई भैया, हाँ भैया फिर चेक करते भाई बाहर निकल के, हे मेरे बजरंग बली आराम से है ना, अरे बाप रे यार जो घटना हुई है वो खतरनाक हुई है भाई, दोस्तों आपने देखा होगा कि इतनी बुरी कदर से हमला किया उन लोगों ने, कह नहीं सकते हम, ये देखो भैया यहाँ से हमला हुआ भाई, देख नहीं नहीं आगे से हुआ है भाई, वो जो व्हाइट व्हाइट कुछ दिख रहा नहीं वहां से हुआ है,
कहां से कहां से है भैया? रुक रुक भाई, पत्थर नहीं मारते, सीसा फोड़ देंगे कहीं यार। ये देख भाई, ये पड़े हुए देखिए। हाँ ये रोड बीच में देख भाई, देखना भाई। रुको मत, रोको मत यार, ये कुछ पड़े, क्या पड़ो? ये पड़ा है देखो, ये भाई भी देखा तूने? हाँ यार भाई, भाई अंडे लग रहे हैं यार। हाँ अरे यार, भाई खतरनाक चीज नहीं? भाई भाई यार निकलो निकलो भाई, हा? भाई निकलो यहाँ से यार। बाप रे, मेरे पास सुन पिंटू। हाँ भाई, हे कोई खतरनाक चीज है। हाँ यार भाई, मतलब हमला हुआ भाई। नहीं यार भाई, मेरे पास सुन। हाँ भाई, एक मिनट क्या कर रहे हो? देखते हैं क्या हुआ है हमला। मेरी बात सुन यार, आगे आ चुके हैं वहां से। हाँ गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना। क्या हमला हुआ भाई? पीछे जी की तरफ से ये आया भाई, ये देखो। हाँ अरे बाप रे, ये अंडा मारा है, ये अंडा मारा देखो यार। ये तो ये टूटा पड़ा हुआ, ये अंडा मारा है। हाँ यार, पीछे की साइड कोई आवाज आई दिख रहा? कांच टूटा कोई? नहीं नहीं, कुछ कांच हुआ तो नहीं टूटा भाई। हाँ भाई यार, ये देख। हाँ भाई, इधर आजा, लगता है भाई का। एक बार रुकना पिंटू। हाँ भाई, देखना पिंटू। दोस्तों देख लीजिए, ये है अंडे गैंग वाली जो टीम है, यहाँ इनका ग्रुप है। जो अंडा तोड़ा है और अंडा गाड़ी के ऊपर गिर गया है, बाल बाल बचा हमारा कांच, और हमने सोचा कि शीशा टूट गया है, लेकिन अगर हम गलती से रुक कैमरा ब्लर हो गया यार भाई। हाँ भाई, कैमरा ब्लर हो गया। गलती से अगर हम वहाँ रुक जाते ना, तो हमारा जो मोबाइल, हमारे पर्स और हमारी शायद गाड़ी भी वो ले लेते, और उसके बाद कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उनके पास हथियार रहते हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करते, कैमरा समाप्त करते हैं दोस्तों। हम ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि रात की 1:30 बजने आई है और हमें घर निकलना, और हमारा घर यहाँ से करीब ये 78 के आसपास किलोमीटर जाना हमें, क्योंकि हमारे घूम फिर के आए, ये खतरनाक रोड है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दबा के प्यार देना आपका। और दोस्तों इन लोगों से कभी भी आप कहीं रास्ते में जाओ तो गाड़ी रोक कर, कभी ऐसी आवाज़ आए अंडा गेंगे, जैसे कोई मतलब ऐसा वगैरह वगैरह कोई मतलब कोई भी मतलब अटैक करे, तो रुकना नहीं, निकल जाना, बाकी आपको जान का खतरा हो सकता है। जय हिंद जय भारत। ये मैंने इसलिए वीडियो बनाया दोस्तों आपके लिए, रिस्क लेके कैसे बचना इन लोगों से, कैसे ये अटैक करते हैं। ये अंडा है, अगर ये कांच में गिर कांच में जैसे गिर जाता तो कांच पूरा ख़राब हो जाता, फिर देखना बंद हो जाता अपन, फिर मजबूरी में रुकना पड़ता हमें, और उसके बाद अटैक हो जाता हमारे पर, पूरा लूटपाट हो जाती। तो ये ध्यान रखना, कभी भी लापरवाही कभी नहीं करनी। हाईवे है ये, नेशनल हाईवे 8 है, मैं इतनी डिटेल दे रहा हूँ आपको। और कभी भी हो आप हमेशा लाइफ में, कभी जब भी टूर करो तो ये ज़रूर अपनी सेफ्टी रखना। जय हिंद जय भारत। Let's go.